हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं फिनोल वाटर सिस्टम जो रोथमुंड ने दिया था 1898 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमें ज़्यादातर आया हुआ है। इसके ये डायग्राम आप देख लीजिए और इसके नोट्स है। डायग्राम ध्यान से दे, फिनोल है, टेम्परेचर है, टाइल लाइन है। अब नोट्स के बारे में देख लेते हैं। यदि रूम टेम्परेचर पर फिनोल को वाटर में लगभग समान रेशियो में मिलाया जाए तो दो लेयर प्राप्त होगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर, ये देखो इंक्रीज़ किया जा रहा है, इंक्रीज़ करेंगे, उसमें दो लेयर का कंपोजिशन एक समान हो जाता है, अर्थात दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाते हैं। और एक है सी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये जो सी पॉइंट है ना, इसको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहा जाता है। इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वे ताप, वे टेम्परेचर जिस पर दोनों लेयर एक दूसरे से मिलकर एक समांगी विलयन, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेती हैं, ये टेम्परेचर है 65.9 डिग्री सेल्सियस। ये जहाँ पे ये दोनों लेयर क्या है, होमोलोगस है, बनाती है, ठीक है। फिर प्राप्त कर्व का आकार पैराबोलिक है। जो ये इस डायग्राम है ना, इस चीज़ को कहते हैं पैराबोलिक। इस कर्व का लेफ्ट साइड वाटर में फिनोल, इस कर्व का जो लेफ्ट साइड है इसमें वाटर का फिनोल, नहीं, वाटर में फिनोल, और जो ये राइट साइड है ना, इसमें फिनोल में वाटर, ये दर्शाता है। जैसे देखो, ये कर्व का लेफ्ट साइड वाटर में फिनोल की परसेंटेज विलेयता को तथा राइट साइड में फिनोल में वाटर की परसेंटेज विलेयता को दर्शाता है। ई एफ रेखा को टाई लाइन कहते हैं। जो ये ई और एफ रेखा लाइन है ना, इसको टाई लाइन कहते हैं। ये लाइन जब जल में फिनोल एंड फिनोल में वाटर की विभिन्न कंपोजिशन को दर्शाती है, ठीक है। और ये तीन, इसमें ये है, ये आप ये तीन चीज़ आप आपको आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट है, ये एक सॉल्यूशन है, इसको कॉम्प्लेक्स मिसिबल कहेंगे। कॉम्प्लेक्स मिसिबल क्यों कहेंगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, ठीक है। सेकंड है पार्शियली मिसिबल, ये एक सॉल्यूशन है जो पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ हुआ है आपस में, ठीक है। थर्ड है इमिसिबल, ये एक सॉल्यूशन है जो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।